ब्राह्मण क्षेत्रीय और वैश्य क्रम आदि के मध्य और अंत में भवत शब्द का प्रयोग करके भिक्षचार्य करें। यह यथा ब्राह्मण बालक कहे भवति भिक्षा में देही मात, यह बालक को कहना चाहिए क्षेत्रे भिक्षा भवती में देही ऐसा कहे, और वैश्य ब्रह्मचारी भिक्षा में देही भवती ऐसा बोले। गुरु की आज्ञा लेकर मौन भाव से अन्न की निंदा ना करते हुए भोजन करें। ब्रह्मचारी किसी एक व्यक्ति के घर का अन्न ना खाए, परंतु श्राद्ध में अथवा आपत्ति काल में वह एक व्यक्ति का अन्न भी खा सकता है। अतः भोजन करना आरोग्य आयु स्वर्ग और पुण्य का नाश करने वाला है। यह लोक विरुद्ध कार्य भी है, इसलिए अति भोजन का सुरथा त्याग करें। मधुमास प्राणियों की हिंसा उगते हुए सूर्य की ओर देखना, अंजन लगाना, स्त्री की ओर देखना, बासी और उच्छिष्ट अन्न खाना और दूसरों की निंदा करना ब्रह्मचारी है। यह सब सर्वथा त्याग दे। ब्रह्मचारी क्षेत्रीय और वैश्य के उपनयन का अंतिम समय क्रमशः 16 वर्ष, 22 वर्ष और 24 वर्ष तक है। जिनकी आयु इससे ऊपर की हो उनका संस्कार नहीं करना चाहिए। वे पतित व्रत धर्म भ्रष्ट होते हैं। व्रात्योम नामक यज्ञ से उनका पति पतन होता है। जो गायत्री मंत्र से भ्रष्ट हैं ऐसे लोगों के साथ विवाहादि संबंध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण आदि वर्णों के लोग क्रमश सन रेशम और उनके वस्त्र धारण करें। उनके वस्त्र धारण करने के पश्चात ब्राह्मण की मेखला, मंजू की क्षेत्रीय मेखला, मूर नामक तरणिका तथा वैश्य की मेखला सन के तंतों की बनानी चाहिए। प्रत्येक मेखला 3 प्रकार की एवं चिकनी होनी चाहिए। ब्राह्मणादिक यज्ञोपवीत क्रमशः कपास, सन और ऊन के होने चाहिए। ब्राह्मण का दंड बल और पलाश का, क्षेत्रे का दंड बरगद और खेर का तथा वैश्य का दंड पीलू और गुलर का होना चाहिए। पहले पहले माता, मौसी, बहन और बुआ आदि से भिक्षु मांगनी चाहिए। भिक्षा मांगकर जो याचना करने पर अस्वीकार ना करे ऐसी स्त्रियों से भी वह भिक्षा मांग सकता है, जब तक वेद पढ़े और वैदिक व्रतों का पालन कर रहे हैं तब तक ब्रह्मचारी ही रहें। अध्ययन पूरा होने के पश्चात स्नातक होकर गृहस्थ हुए। जो गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करके पुनः ब्रह्मचार्य में ब्रह्मचार्य के नियम को ग्रहण करता है वह सब आश्रमों से वर्जित हो जाता है। वह ना तो वानप्रस्थ हो सकता है ना तो सन्यासी ही। आश्रम भ्रष्ट होने पर वह पुरुष जो जप, होम, व्रत, दान, स्वाध्याय और पितृ तर्पण आदि कर्म करता है वह उसका फल नहीं पाता। वेद पाठ के आरंभ में और अंत में सदा ओमकार का उच्चारण करें। ओमकार से हीन वेद पाठ ना तो सफल होता है और ना सिद्धिदायक ही होता है। जो वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण दोनों संध्याओं के समय ओमकार और व्याहतियों से गायत्री मंत्र का जप करता है वह वेद पाठ के पुण्य से युक्त होता है। विधि पूर्व के किए हुए यज्ञ से जप यज्ञ 10 गुना उत्तम बताया गया है। उपांशु जप सूक्ष्म स्वर से उच्चारण किया हुआ जप उससे 100 गुना फल देने वाला है। उपांशु जप की उपेक्षा भी सहस्त्र गुना महत्व मानस जप का माना गया है। द्विज को अपनी शक्ति के अनुसार 3, 2 या 1 वेद का अध्ययन करके सदा उसके अभ्यास में लगे रहना चाहिए। वेद अभ्यास ब्राह्मण के लिए सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। जो ब्राह्मण शिष्य का उपनयन संस्कार करके उसे कल्प और रहस्य सहित वेद पढ़ाता है उसे विद्वान पुरुष आश्चर्य मानते हैं। जो जीविका के लिए वेद के किसी एक भाग को अथवा वेदांगों का ही अध्ययन कराता है उसे विद्वान पुरुष उपाध्याय कहते हैं। जो विधि पूर्वक गर्भाधान आदि संस्कार कराता है तथा अन्न से पालन करता है वह गुरु कहा गया है। जो जिसके द्वारा वरण किए जाने पर उसके यहाँ अगण्य ध्यान पूर्वक किए जाने वाले आवनीय आदि कर्म, पाक यज्ञ तथा अग्निष्ठोम आदि
याग संपन्न कराता है वह उस यजमान का ऋतिव कहलाता है। उपाध्याय की अपेक्षा 10 गुना गौरव आचार्य का है, आचार्य से 100 गुना महत्व पिता का है और पिता से भी सहस्त्र गुना गौरव धारण करने के कारण माता बड़ी है। ब्राह्मणों में वही बड़ा माना जाता है जो ज्ञान में बड़ा हो, क्षेत्र में बल से, वैश्यों में धन धान्य से और शूद्रों में जन्म से ज्येष्ठता का व्यवहार होता है। जैसे काठ का हाथी और चमड़े का मृग है वैसे ही बिना पढ़ा हुआ ब्राह्मण है। ये तीनों केवल नाम धारण करने वाले हैं। जहाँ गुरु की निंदा हो और जहाँ गुरु पर झूठे लाछन लगाए जाते हों वह अपने कानों को मूंद लेना चाहिए अथवा उठकर अन्य चले जाना चाहिए। गुरु की सती एवं युवती पत्नी के दोनों चरणों का स्पर्श करके कभी प्रणाम ना करें, दूर से ही नमस्कार करें। माता पुत्री अथवा बहन के साथ भी एकांत में नहीं रहना चाहिए क्योंकि इंद्रियां बड़ी प्रबल होती हैं, वे विद्वानों को भी मोह में डाल देती हैं। जैसे प्रयत्न पूर्वक कुआं खोदने वाला पुरुष पृथ्वी से जल प्राप्त कर लेता है उसी प्रकार गुरु की पूर्णतः सेवा करने से शिष्य विद्या को पा लेता है। पुत्र के जन्म और लालन पालन में पिता माता जो कलेश सहन करते उसका बदला सौ वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता, इसलिए माता पिता और गुरु का भी सदैव प्रिय करें। इन तीनों के संतुष्ट हो जाने पर पूर्व तत्वस्या का तपस्या का फल प्राप्त होता है। इन तीनों की सेवा श्रेष्ठ तपस्या कहलाती है। माता की सेवा से भूलोक, पिता की सेवा से भूवरलोक और गुरु की सेवा से पुण्यात्मा पुरुष स्वर्ग लोक को जीत लेता है। भगवान विश्वनाथ की कृपा से मनुष्य अखंड ब्रह्मचारी से युक्त होता है। विश्वनाथ जी की उत्तम दया की काशी की प्राप्ति कराने वाले काशी की प्राप्ति से ज्ञान होता है और ज्ञान से मनुष्य निर्माण मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः मोक्ष के उद्देश्य से ही बुद्धिमानों का सदाचारण के लिए प्रयत्न होता है। गृहस्थ आश्रम में जिस प्रकार सदाचार का पालन होता है वैसा दूसरे आश्रम में नहीं है, इसलिए विद्याध्ययन पूर्ण करके अंत में गृहस्थ आश्रम की शरण लेनी चाहिए। यदि पत्नी अपने अधीन रहने वाली हो तो गृहस्थ आश्रम से बढ़कर दूसरा कोई आश्रम नहीं है। पति और पत्नी की अनुकूलता धर्म तथा काम की प्राप्ति कराने वाली होती है। यदि स्त्री अपने अनुकूल रहने वाली हो तो स्वर्ग को लेकर भी क्या करना, और यदि पत्नी अपने से विपरीत चलने वाली हो तो उसके सामने नरक भी किस गिनती में है। कार्य कुशल, पुत्रवती, पतिव्रता, मीठे वचन बोलने वाली और अपने अधीन रहने वाली, इन गुणों से युक्त पत्नी वस्तुतः स्त्री के रूप में साक्षात लक्ष्मी है। विद्याध्ययन समाप्त होने पर ब्रह्मचारी गुरु की आज्ञा से ब्रह्मचारी व्रत का उपाधन करके स्नातक होकर अपने ही वर्ण की शुभलक्षणा स्त्री के साथ विवाह कर ले। वह स्त्री अपने पिता के गोत्र की ना हो और माता की सपुण्य ना हो। विवाद संबंध में ऐसे कुल का परित्याग कर दे जिसमें मृगी रोग, राजस्यम रोग और कोढ़ का रोग होता है। जिस कुल में किसी प्रकार का कलंक लगा हो उसको भी त्याग दें जिससे केवल कन्या ही होने की संभावना हो। ऐसी स्त्री से विवाह ना करें जिसके कोई रोग ना हो, जिसके भाई ना हो, जो अपने से कुछ छोटी हो, जिसका मुख सौम्य हो और मीठे वचन बोलने वाली हो। ऐसी स्त्री के साथ द्विजों को विवाह करना चाहिए। पर्वत, भालू, वृक्ष, नदी, सर्प, पक्षी, नाग और दास आदि का बोध कराने वाली नामों से युक्त स्त्री के साथ विवाह ना करें। जिसका नाम सौम्य हो उसी से विवाह करें। जिसके कोई अंग अधिक या कम हो, जो बहुत बड़ी अथवा अत्यंत दुबली हो, बिना रोम की अथवा अधिक रोम वाली हो तथा जिसके केश रूखे एवं मोटे चिपके हुए हों ऐसी स्त्री के साथ भी विवाह ना करें। मोहवश नीच कुल की कन्या तो कभी विवाह ना करें क्योंकि हीन कुल की कन्या के साथ विवाह करने से अपनी संतान भी हीनता को प्राप्त होती है। पहले कन्या के लक्षणों की परीक्षा करके तदंतर उसके साथ विवाह करें। उत्तम लक्षणों वाली तथा
सदाचार का पालन करने वाली पत्नी पति की आयु बढ़ाती है। अगस्त जी, इस प्रकार मैंने आपसे ब्रह्मचारियों के सदाचार का वर्णन किया है। गृहस्थ आश्रम के धर्म, पंचयज्ञ की महिमा, काशीवास की महत्ता तथा राजा दिवोसदास को पृथ्वी के राज्य की प्राप्ति। स्कंद जी कहते हैं, यदि स्त्री शुभ लक्षणा हो तो गृहस्थ पुरुष सदा सुख भोगता है। अतः सुख की वेदिक के लिए पहले स्त्री के लक्षणों की ही परीक्षा करें। शरीर आवृत, गंध छाया, कांति सत्व, स्वर गति और वर्ण, विद्वानों द्वारा स्त्री के लक्षणों की परीक्षा के लिए यह 8 प्रकार का आधार बताया गया है। सामुद्रिक शास्त्रीय उत्तम लक्षणों से युक्त होने पर भी उसने अपना शील सात्विक दूषित कर लिया हो, वह कुल शणा स्त्रियों की शिरोमणि है। तथा जो ब्रह्म शुभ लक्षणों से युक्त न होने पर भी सती साध्वी है, उसे समस्त शुभ लक्षणों का आधार मानना चाहिए। भगवान विश्वनाथ की कृपा से ही गृहस्थ के घर में शुभ लक्षणा सदाचारिणी, पति के अधीन रहने वाली और पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। जिन्होंने पूर्व जन्म में उत्तम तीर्थ में अपने शरीर को क्षीण किया अथवा छोड़ा है, वे ही इस जगत में शुभ लक्षणा स्त्री होती हैं। जिन स्त्रियों ने जगन माता पार्वती जी का पूजन किया है, वे ही सदाचारिणी होती हैं। जिनका पति उनके गुणों से रीझ कर उनके अनुकूल बना रहता है तथा जो उत्तमशील स्वभाव वाले हैं, ऐसी मृग नई स्त्री के लिए यही स्वर्ग और उपवर्ग मोक्ष सुलभ है। वह उनके उत्तम लक्षणों का ही फल है। स्त्रियां अपने अच्छे लक्षणों और विशुद्ध आचरणों में से अल्पायु पति को भी दीर्घ आयु एवं आनंद का भागी बना देती है। अतः सुलक्षणा स्त्री से विवाह करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले पुरुषों के द्वारा प्रतिदिन 5 प्रकार की हिंसाएं होती हैं। ओखली, चक्की, चूल्हा, जल का घड़ा और झाड़ू, ये 5 हिंसा के स्थान हैं। ऐसी हिंसाओं का निराकरण करने के लिए 5 यज्ञ बताए गए हैं, जो गृहस्थ के कल्याण की वृद्धि करने वाले हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। वेद और शास्त्रों के पठन पाठन का नाम ब्रह्मा यज्ञ है। तर्पणों को पितृ यज्ञ कहते हैं। होम देव यज्ञ, बलि वैष्णदेव, भूत यज्ञ और अतिशय सत्कार मनुष्य यज्ञ है। जिसके घर से आदर ना पाकर अतिथि निराश लूट जाता है, वह जन्म भर के संचित पुण्य से तत्काल हाथ धो बैठता है। अतः आए हुए अतिथि को प्रसन्नता के लिए संतावनापूर्ण मधुर वचन, सोने के लिए स्थान, आसन और जल आदि वस्तुएं तो सदा देनी ही चाहिए। सायकाल में सूर्यास्त के समय आए हुए अतिथि का यत्न पूर्वक सत्कार करना चाहिए। सत्कार ना पाकर यदि वह अनंत चला जाता है तो अधिक पाप प्रदान करता है। जो अतिथि को भोजन कराने से बचे हुए अन्न को स्वयं ग्रहण करता, वह इस लोक में दीर्घ आयु और धनवान होता है। अतिथि को हटाकर स्वयं भोजन करने वाला गृहस्थ पाप का भागी होता है। वेद कर्म के अंत में और सूर्यास्त के समय जो आता है, वही अतिथि है जो पहले का आया हुआ अथवा कहीं का देखा हुआ परिचित हो, वह अतिथि नहीं है। छोटे बालक, वृद्ध, स्ववासिनी, पिता के घर में रहने वाली स्त्री, गर्भवती और अत्यंत रोगी स्त्री पुरुष को अतिथि से पहले भी भोजन कराया जा सकता है। इसमें विचार करना चाहिए। देवता, पितर और मनुष्य को देखकर खाने वाला गृहस्थ अमृत भोजन करता है। जो केवल अपना पेट पालने वाला है और अपने ही लिए रसोई बनाता है, वह मनुष्य पापमय भोजन करता है। शूद्रों को कभी वैदिक मंत्र का श्रवण नहीं कराना चाहिए। उसे वेद मंत्र का श्रवण कराने पर ब्राह्मण तत्व और शूद्र अपने धर्म से गिर जाता है। ब्राह्मण आदि वर्णों की सेवा ही शूद्रों का परम धर्म माना गया है। सदा मंगलमय वचन ही बोले, सबके मंगल का ही चिंतन करें।
कल्याण में महापुरुषों का ही संग करें, अमंगलकारी दुष्टों का साथ कभी ना करें। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह रूप धन और कुल से हीन मनुष्यों पर कभी आपेक्ष ना करे। मन वाणी और जीवा के वेग को रोके। घूस जुआ दूती प्यान और पीड़ित मनुष्यों के धन को दूर से ही त्याग दे। इस प्रकार देवता ऋषि और पितरों के ऋण से पूर्ण होकर घर का सारा कार्यभार पुत्र को सौंप दें और स्वयं घर पर तटस्थ होकर घर में रहकर भी ज्ञान का अभ्यास करें अथवा काशी की शरण लें, क्योंकि समय यज्ञ ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है अथवा विश्वनाथपुरी की काशी में मुक्ति मिलती है। आज कल परसों अथवा 100 वर्ष बाद मृत्यु निश्चित है। शरीर शीघ्र जाने वाला है, अतः यदि वह काशी में मृत्यु को प्राप्त हो तो मनुष्य अमृतमय हो जाता है। सदाचारी पुरुष ही सदा के लिए काशी सुलभ होती है, अतः विद्वान पुरुष मन से भी सदाचार का उल्लंघन ना करे। बड़ा भारी उपद्रव आने पर भी जो काशी से विलग ना होने दे वही महायोग है। अन्य जितने योग हैं वे सब उपयोग हैं। भगवान विश्वनाथ जो नियम पूर्वक शुद्ध हृदय से पत्र पुष्प फल और जल अर्पण किया जाता है वह यहाँ महादान ही है। भगवान विश्वनाथ के दक्षिण भाग में बैठकर हृदय में उनका चिंतन करते हुए जो क्षण भर के लिए नेत्र बंद किया जाता है यही उत्तम महायोग है। एक समय की बात है, प्रजापति ब्रह्म जी ने राजऋषियों में श्रेष्ठ राजा रिपुंजय को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। रिपुंजय अभिमुक्त नामक महाक्षेत्र में मन इंद्र को वश में करके तपस्या कर रहे थे। उनका जन्म राजा मनु के वश में हुआ था। वे वीर तो ही थे, मूर्तिमान क्षेत्रीय धर्म की भांति प्रकट थे। उनके समीप जाकर ब्रह्म जी ने कहा, महामते तुम समुद्र पर्वत और वनों सहित समूची पृथ्वी का पालन करो। नागराज वासुकी तुम्हें पत्नी बनाने के लिए नाग कन्या अनंग मोहिनी को देंगे। देवता भी प्रतिक्षण तुम्हारे प्रजा पालन से संतुष्ट होकर तुम्हें स्वर्गीय रत्न और पुष्प प्रदान करेंगे। इसलिए दिवो दास्यंती इस व्युत्पत्ति के अनुसार तुम्हारा नाम दिवोदास होगा। राजन मेरे प्रभाव से तुम्हें दिव्य सामर्थ्य की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर राजाओं में श्रेष्ठ रिपुंजय ने उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की और इस प्रकार कहा, पितामह मनुष्यों से भरे हुए इस भूतल पर क्या दूसरे राजा लोग नहीं है? मुझे ही ऐसी आज्ञा क्यों मिल रही है? ब्रह्म जी ने कहा, राजन तुम राज करोगे तो इंद्रदेव इस पृथ्वी पर वर्षा करेंगे। दूसरा कोई पापनिष्ठ राजा राज्य करेगा तो देव वर्षा नहीं करेंगे। राजा बोले, महामान्य पितामह आप स्वयं ही तीनों लोकों की रक्षा करने में समर्थ हैं, तो भी आप मुझे जो यह यश दे रहे हैं यह आपका मेरे ऊपर महान प्रसाद है। अतः मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूँ, परंतु मुझे भी कुछ आपसे निवेदन करना है। यदि मेरे लिए मेरी इस प्रार्थना को आप स्वीकार कर लेंगे तो मैं भूतल का अकंटक राज्य करूँगा। ब्रह्म जी ने कहा, राजन तुम्हारे मन में जो बात है उसे शीघ्र कहो। राजा बोले, पितामह यदि मैं पृथ्वी का अधिपति हूँ तो देवलोक के निवासी देवगण अपने ही लोक में ठहरे, भूलोक में ना आवे। जब देवता देवलोक में रहेंगे और मैं इस पृथ्वी पर निवास करूँगा तब यहाँ अकंटक राज्य होने से प्रजा वर्ग को सुख की प्राप्ति होगी। तथास्तु कहकर ब्रह्म जी ने जब उनकी प्रार्थना स्वीकार की तब राजा दिवोदास ने डंका बजाकर राज्य में यह घोषणा करवा दी कि देवता लोग स्वर्ग को चले जाएं और नागगण भी यहाँ कभी न आए, जिससे मनुष्य स्वस्थ एवं सुखी रहे। पृथ्वी पर मेरे राज्य शासन काल में देवता स्वर्ग में सुखी रहें और मनुष्य पृथ्वी पर स्वस्थ रहें।